स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर वेबिनार को कल करेंगे संबोधित। केंद्रीय बजट पर लोगों से मंगा रहे सुझाव। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का प्रथम दीक्षांत समारोह 7 मार्च को, 850 छात्रों को मिलेगी डिग्री। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से होगी जन औषधि की ब्रांडिंग, 7 मार्च को मनाएंगे जन औषधि दिवस। और अब केमिकल नहीं हर्बल गुलाल से खेलें होली, गौठानों में बनाए जा रहे प्राकृतिक गुलाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं शीतला शुक्ला। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। इस वर्ष पेश केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव आमंत्रित करने के प्रयोजन से केंद्र सरकार ने 12 वेबिनार की योजना बनाई है और कल का वेबिनार भी इसी का हिस्सा है। वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है जो एक दूसरे के पूरक हैं। इन क्षेत्रों को अमृतकाल का सप्तर्षि यानी पथ प्रदर्शक कहा गया है। सरकार के प्राथमिक क्षेत्रों में समावेशी विकास शामिल हैं। इनमें 57 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, औषध नवाचार तथा चिकित्सकीय उपकरणों के लिए पाठ्यक्रम शामिल हैं। वेबिनार में 3 सत्र होंगे जिनमें स्वास्थ्य और औषध निर्माण क्षेत्र पर चर्चा होगी। वेबिनार में केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के अतिरिक्त राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और संबंधित विषयों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का प्रथम दीक्षांत समारोह 7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार शामिल होंगी। इस समारोह में कुल 850 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। इनमें 10 छात्रों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए जाएंगे। एम्स के निदेशक डॉ. नितिन एन नागरकर ने बताया कि इस समारोह में 2012 से 2016 तक के 5 बैच के 425 MBBS छात्रों, BSc नर्सिंग के 2013 से 2017 तक के 5 बैच की 292 छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। हो रहा है 7 मार्च को, और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार मैडम जो कि हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हमारी चीफ गेस्ट है। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे श्री सुनील सोनी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैडम सरोज पांडे जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अरुण साहु जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हमारे साथ में बहुत सारे जो यहाँ पे संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं और वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब भी हम ओकेजन में आएंगे और ग्रेस करेंगे। और खुशी की बात है क्योंकि कोविड के बाद हम लोग ये कन्वोकेशन कर रहे हैं, ये फिजिकली हो रहा है, पहला जो कन्वोकेशन हो रहा है। एंड 850 स्टूडेंट्स जो डिग्री के लिए एलिजिबल है, उसमें से 500 से अधिक फिजिकली अलग अलग, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, रिसर्चर्स हो, वो अपनी डिग्री लेने के लिए आएंगे। एम्स जो है कभी भी खाली पेशेंट केयर के लिए एक अस्पताल नहीं है, वो टीचर्स को तैयार, जो हमें बात कर रहा था, इट इज़ टू क्रिएट मेडिकल टीचर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे भी कुछ एग्जाम होंगे, तो क्रिएशन ऑफ मेडिकल टीचर्स की कॉम, क्योंकि बाकी जो हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस डॉक्टर्स क्रिएट करेंगे, लेकिन आप मेडिकल टीचर और रिसर्चर्स तैयार कर रहे हैं। और रिसर्च के लिए हमने MBBS से ही उनको रिसर्च मेथोडोलॉजी में उसको इंक्लूड किया गया है। एम्स के अधिष्ठाता प्रोफेसर आलोक चंद्र अग्रवाल ने बताया कि एम्स की स्थापना के बाद 2012 में पहले बैच का प्रवेश हुआ था। उस समय प्रवेश संख्या 50 थी, जो अब बढ़कर 125 हो गई है। इसके बाद एम्स में MS, MD और MDS की सीटें जोड़कर प्रतिवर्ष 157 सीट हो गई है। उल्लेखनीय है कि एम्स रायपुर इससे पूर्व 6 मार्च को पूर्व छात्रों का मिलन समारोह भी आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन की ट्रेन दुर्ग हजरत निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने की ब्रांडिंग के लिए चुना गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
एक दिन पहले ही जन औषधि की ब्रांडिंग वाले पोस्टर्स के साथ छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये ट्रेन शनिवार को रायपुर पहुंची। इस ट्रेन में सवार लोगों ने बताया कि ये लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा, क्योंकि इसके माध्यम से जन औषधि के बारे में लोगों को जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी। नागरिक के लिए बहुत अच्छी है, खासकर गरीब जनता के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें 50% से लेके 90% तक की सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी। इसका कृपा सभी लाभ उठाइए। केंद्र की जो योजना है सस्ती दवाइयों के लिए 50% से 90%, ये गरीबों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, और इस समर्थन में सब हम सबको साथ बढ़ना चाहिए मोदी जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बताया गया है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। मन में सच्ची लगन और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो सफलता कदम जरूर चूमेगी। जी हां, ऐसा ही कुछ कर दिखाना चाहती हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ के खिलचीपुर तहसील के छोटे से गांव नाटाराम की रहने वाली आशा मालवीय, जो महिला सशक्तिकरण व महिला सुरक्षा को लेकर साइकिल यात्रा पर निकली हैं। 9 राज्यों की लगभग 10,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा करने के बाद आशा छत्तीसगढ़ के महासमुंद पहुंची। आशा ने बताया कि भारत भ्रमण के दौरान जो अनुभव प्राप्त हो रहा है उसे एक किताब का रूप भी देंगी। महिलाओं को संदेश देते हुए आशा ने कहा कि दुनिया को पता चले कि भारत देश की महिलाएं सभी जगह सुरक्षित हैं। भारत में महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ भारत यात्रा मैंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 1 नवम्बर को शुरू की है। आज मुझे 124 दिन हो गए, मैं छत्तीसगढ़ के अभी महासमंद में हूँ। साथ ही मैं पूरे भारत को, भारत की महिलाओं को यह मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं अकेली भारत यात्रा कर सकती हूँ, उसी तरह आप हर जगह सुरक्षित हैं और मैं भी सुरक्षित हूँ। महासमुंद प्रवास के दौरान आशा ने जिले के कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर से भी मुलाकात की। श्री क्षीरसागर ने आशा की साइकिल यात्रा को सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है, इन्होंने पूरे विश्व को ये दिखाने के लिए कि भारत देश बहुत सेफ है और महिलाओं में जागृति के करने के लिए अकेले साइकिल यात्रा कर रहे हैं। लगभग 25,000 किलोमीटर का इनका साइकिल प्रवास है। लगभग 10,000 किलोमीटर का प्रवास करते हुए वो अभी महासमुंद जिले में प्रस्थान किए हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि उनका ये प्रयास देख के हमारे देश के, प्रदेश के और ज़िले की भी सभी जो लड़कियां हैं, महिला है, बालिका है, उनसे मुझे लगता है कि देख के एक खुद भी आगे बढ़ना चाहेंगे, और समाज का एक थोड़ा सा दबाव रहता है महिलाओं के विभिन्न इनिशिएटिव पे, तो वो कम होते हुए आगे भविष्य में महिलाएं कर तो अच्छा कर ही रहे, उससे भी और अच्छा कर पाएंगे। गौरतलब है कि आशा मालवीय पर्वतारोही भी हैं और अपने 10,000 किलोमीटर के दौरान लगभग 90 जगहों पर महिला सशक्तिकरण व महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर चुकी हैं। उनकी साइकिल यात्रा 15 अगस्त 2023 में दिल्ली पहुंचकर समाप्त होगी। राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोरिया जिले में दृष्टि रथ निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। जिले के कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने दृष्टि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम से लोगों को आंखों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रैली शहर में भ्रमण करते हुए लोगों को जागरूक करेगी। कलेक्टर ने कहा कि आंखें शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसकी रैली निकाली गई है और इस रथ का जो यात्रा है, इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि नेत्र से संबंधित जो भी रोग है उसके संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, उसके वो कैसे हम इसका इलाज करा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके बारे में इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये विभिन्न जिलों में इस रथ यात्रा का आयोजन किया गया है और आज कोरिया में इसका शुभारंभ किया गया। नेत्र चिकित्सक श्री सामंत ने बताया कि इस रथ के माध्यम से लोगों को आंखों में दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, काला मोतिया जैसी समस्याओं की जानकारियां दी जा रही हैं, साथ ही उनके उपचार और सुरक्षा के सलाह भी दिए जा रहे हैं। एक जनजागरण यात्रा है, कैसे आंख अच्छा रखें, कैसे करें, इसी के लिए हम पूरा हिंदुस्तान और जो पड़ोसी देश है 1400 जिले में 5 वर्ष के अंदर हम लोग सफर करने का प्रयास किया। हमारे जो जातीय अंधत्व नियंत्रण कर्म सूची है, इसी के अंदर हम सबको तो ये जानकारी देते हैं कि किसी कैसे आप अपना ही का आँख ठीक ठाक रखें। बताया गया है कि इस दौरान रथ के माध्यम से जिले के पब्लिक प्लेस, स्कूल, कॉलेज व अन्य भीड़ वाली जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
रंगों के त्यौहार होली के लिए बाजार सज गए हैं। होली के त्यौहार पर अक्सर लोग केमिकल रंगों के कारण त्वचा संबंधी बीमारियों से परेशान रहते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद केमिकल युक्त गुलाल से लोग परहेज करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ बनने वाले हर्बल गुलाल आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत मतवारी की गायत्री महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं पालक, लाल भाजी, हल्दी, जड़ी बूटी व फूलों से हर्बल गुलाल बना रही हैं। फूलों के साथ चुकंदर, हल्दी, आम और अमरूद की हरी पत्तियों को भी प्रोसेस कर इसमें मिलाया जाता है। उन्होंने बताया कि गुलाल पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिलाया जाता है। प्राकृतिक चीज़ों से ही बनता है, तो इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। अगर होली खेलते हुए ये हमारे आँख में या मुंह के अंदर भी चला जाए तो इसमें जो चीज़ें मिलाई जाती है वो पूरी खाने की चीज़ ही रहती है, तो इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं। उसके हिसाब से ये जो हर्बल गुलाल का निर्माण हो रहा है वो पूरी तरह से हर्बल और पेड़ पौधे प्राकृतिक रंगों से यूज़ करके ये हर्बल गुलाल का निर्माण किया जा रहा है। इसके विपरीत जो सिंथेटिक गुलाल होता था उसमें हाई केमिकल होता था, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है, जिससे स्किन डिसीज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज महिला स्व सहायता समूह के द्वारा ये हर्बल चीज़ों का उपयोग कर हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही फायदेमंद है। जिला पंचायत के CEO अश्विनी देवांगन ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के तहत गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि महिलाएं बड़ी मात्रा में गुलाल बना रही हैं। गुलाल में पीले कलर के लिए हल्दी, लाल भाजी से गुलाबी, पत्तियों से हरे और अन्य इसी प्रकार के प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो शरीर के लिए लाभदायक है, जबकि अन्य तरीकों से बनाए गए जो गुलाल होते हैं उसमें केमिकल होने से शरीर में एलर्जी, आँखों में जलन इत्यादि की समस्याएँ होती हैं, जिस पर वृहद स्तर पर स्वास्थ्य विभाग दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। दरअसल पिछले साल होली के दौरान हर्बल गुलाल की मांग को देखते हुए इस बार बिहान समूह से जुड़ी महिलाएं हर्बल गुलाल बनाने में दिन रात जुटी हुई हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। बेमेतरा में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ प्रदर्शन के नए नए तरीके आजमा रही हैं। कभी महिलाएं नारी शक्ति का स्वरूप जिसमें दुर्गा, काली और रानी लक्ष्मीबाई बनकर प्रदर्शन कर रही हैं। संघ की जिलाध्यक्ष विद्या जैन ने बताया कि मांगे पूरी होने तक उनका यह प्रदर्शन जारी रहेगा। जांजगीर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में फर्जीवाड़ा का बड़ा मामला सामने आया है। अधिवक्ता संघ नवागढ़ के अध्यक्ष तुलसीराम धृत लहरे द्वारा संयुक्त कलेक्टर निशा नीताम का फर्जी हस्ताक्षर कर प्राकृतिक आपदा की राशि 12 लाख रुपए निकलवाया जा रहा था। लिपिक ने फर्जी हस्ताक्षर को पकड़ा और थाने में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव शहर के शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित नैना सिंह धाकड़ ने शिरकत की। नैना सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि पर्वतारोही धाकड़ की मौजूदगी से छात्राओं को महिला सशक्तिकरण का संदेश मिला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक ग्राम पंचायत कटघरी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा राज्य के गरीब एवं वंचित ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें आसपास की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई थीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर वेबिनार को कल करेंगे संबोधित। केंद्रीय बजट पर लोगों से मंगा रहे सुझाव। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का प्रथम दीक्षांत समारोह 7 मार्च को, 850 छात्रों को मिलेगी डिग्री। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से होगी जन औषधि की ब्रांडिंग। 7 मार्च को मनाएंगे जन औषधि दिवस। और अब केमिकल नहीं हर्बल गुलाल से खेलें होली। गौठानों में बनाए जा रहे प्राकृतिक गुलाल। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।